देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के मौके पर जिस तरीके से विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं ने बड़ी संख्या में जगह जगह प्रदर्शन किया, उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई कई जगह पुलिस की कार्रवाई में कार्यकर्ता और जो बेरोजगार युवा हैं, नौजवान हैं, वो चुटहिल भी हुए। ये वही नौजवान हैं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया और ज़मीन पे उतर करके काम किया। जब सरकार बनी 2017 में, उस समय भाजपा ने दावा किया था कि हर साल 13.5 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी, मगर जिस तरीके से कोरोना काल में अकेले उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ के करीब लोगों की नौकरी गई है, नई भर्तियां नहीं निकल रही हैं, उसको लेकर के युवाओं में ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिला और वो कल सड़कों पर भी उतर आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि जो 4 लाख के करीब जो खाली पद हैं अलग अलग विभागों में, उनको जल्द से जल्द भरा जाए, 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए सारे विभागों में जो खाली रिक्तियां पड़ी हैं। आने वाले 21 सितंबर को मुख्यमंत्री जो बोर्डों के अध्यक्ष हैं, भर्ती बोर्डों के अध्यक्ष हैं, आयोगों के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि जो भी उनके विभागों में खाली पद पड़े हैं जल्द से जल्द उनका रिकॉर्ड शासन के पास भेजा जाए ताकि उन पदों पे भर्तियां की जा सकें। अभी तक 3 लाख के करीब पदों पर उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी दे चुकी है। सरकार ने अपने द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा है कि जो भर्तियां होंगी पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों ताकि किसी भी बेरोजगार युवा का हक ना मारा जाए। लखनऊ से डायनामाइट न्यूज़ के लिए जयप्रकाश पाठक।